हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. राधे राधे. कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे. तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी आए हैं मंदिर से पूजा करके. तो बताओ कैसे हो आप सब? और संतोष दीदी, आपका कमेंट नहीं आ रहा, आप कहाँ हो आजकल? आपकी तबीयत वगैरह ठीक है या नहीं है? अब तो डेली पूछते थे और आपने भी भगवान शिव पे जाना शुरू कर दिया था, बोला था आपने, तो बहुत अच्छा है आपने शुरुआत कर दिया. तो आप काफ़ी बीमार रहते थे, अगर भगवान शिव पे जाना शुरू कर दिया है तो अब नहीं रहने वाले हो आप बीमार, ठीक रहोगे. ठीक है. और एक कमेंट ऐसा था, दीदी वॉक करने का बहुत ज़्यादा मन करता है लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे है कि लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे. तो डियर, आप सुबह जल्दी उठ के वॉक कर सकते हो, अंधेरे में जब अंधेरा हो तब वॉक कर सकते हो, या रात को वॉक कर लो. अगर ये भी नहीं कर सकते तो छत पे कर लिया करो. छत पे तो कोई नहीं रोक सकता ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अपने घर में कुछ भी करें. और ऐसे लोगों का ध्यान देते रहोगे तो कैसा चलेगा? लोग तो कुछ भी बोलते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कर रहे हैं. करो, कुछ नहीं है लोगों का, आपको करना है तो अपने को ही करना पड़ेगा. लोगों को, लोग तो दुखी नहीं हो रहे ना उस मोटापे से, हम ही दुखी हो रहे हैं और हमारा ही मन है वो करने का. लोग तो ऐसे ही भुगते हैं, भुगते रहेंगे. और उन पे इग्नोर मारो, क्या पता आप शुरू करे हैं वो लोग भी शुरू कर दे वो करना. कि उनको समझाओ कि ऐसे आप बोल रहे थे कि ऐसे देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो उनको समझाओ ये वॉक है और इसे वेट लॉस और काफ़ी करनी चाहिए. डॉक्टर भी बोलता है कि 5 किलोमीटर की वॉक डेली करनी चाहिए. तो उनको समझाओ आप, तो हो सकता है ऐसे कि शायद वो आपकी बात मान जाए और वो भी शुरू कर दे वो करना. तो आप ऐसे करके करो, वो कर सकते हो आप. ठीक है, क्या तो आपको करना पड़ेगा, मेरे कहने से मैं बोल रही हूँ. आप एक बार वॉक शुरू करो तो उन लोगों का भी मन करेगा कि भई ये क्या कर रहे हैं, तो वो भी वॉक शुरू कर देंगे. ओके. और सुबह से गर्म पानी ही पिया जा रही हूँ मैं, और चाय भी लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ. चाय से पी के भी मैंने अपना वेट लॉस किया है. आप बोलते हो कि दीदी क्या वेट लॉस में चाय छोड़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि चाय छोड़ो, कम लो और लेकिन गुड़ की लो. तो गाइस, मैं बना रही हूँ अभी पोहा. बनाया था मैंने गुरु के लिए, उसी को कर रही हूँ गरम. तो ये देखिए पोहा बनाया था मम्मी. क्योंकि मुझे इसकी आती है गाइस बहुत ज्यादा याद. तो थोड़ा सा पोहा, थोड़ा सा जूस बना लेते हैं. पहले इनको छील लेते हैं, फिर मिक्सी में पीस के बना लेते हैं. मम्मी देख देख, बेकार सी बोलना कौन, कितनी देर होगी हैं? हेलो राधे राधे, मैं यहाँ बैठी थी. तो कितनी आवाज मार ली मम्मी, मम्मी छुप रही हूँ, चिल्ला रही है, मैं यहाँ बैठी हूँ. फिर तो आ नहीं सकती माँ, मम्मी आ जा, मम्मी आ जा. गाइस बन गया है जूस और ये देते हैं आज मम्मी को. मम्मी का मुंह देखना एक बार आप जूस, इसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी ये डाइट वाली चीजें. देखे जूस पी के इसका मुंह, पी जल्दी पी जूस, पी ले, फूक रहे ना, गर्म है, पी. पहले हमने क्या कर दिया, हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी तो अच्छी हो है, तो ये भी अच्छा है. पी के देख जल्दी, कर रहे मम्मी किसा पागल. मेरा तो फेवरेट है ये चीजें. तो गाइस ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट. थोड़ा सा पोहा ले लिया मैंने, मनु के लिए बनाया था टिफिन में, तो गरम कर लिया उसको और एक गिलास जूस लिया है. आजाओ गाइस करते हैं ब्रेकफास्ट. सही लगा जूस? चल गया, पी लिया और नहीं और नहीं. क्या कितना बढ़िया है देख ले. अरे पी लिया, ठीक है, कुल मिला के पी लिया.
छोड़ा तो नहीं तेरा, अभी तो भी अभी बना रहे हैं हम लंच। लंच में बनी है आज कद्दू की सब्जी जो मम्मी ने बना दी है, और इधर बना रही हूँ मैं अब रोटियाँ क्योंकि खाना खाने आ गए हैं, और आटा भी लगा के रख दिया मम्मी ने, और जब तक मैंने सील दिया है थोड़ा सा सूट ये किया, तो मैं बना देती हूँ रोटियाँ। और इधर छाछ भी आ गई है गाइस। गाइस मैंने भी अपना लगा लिया है लंच, सब्जी रोटी और छाछ, तो आ जाओ खाते हैं। अभी शाम के बज चुके हैं 4 और मम्मी ने बना दी है चाय, मनु के लिए दूध, मम्मी कान्हा जी को पिला रही है चाय, और मैं सो गई थी गाइस, अभी उठी हूँ और चाय पी रही हूँ। मनु मेरा पार्सल लेके एक बार। हेलो गाइस, और ये देखिए गाइस मेरी आ गई है ग्रीन टी कैमोमाइल वाली। मेरे पास वो भी पड़ी थी थोड़ी सी लेमन वाली, फिर मैंने सोचा लेमन वाली मैं दिन में पीऊंगी और कैमोमाइल वाली रात को पीऊंगी, वो थोड़ी सी बच रही है, यही मंगवाती हूँ मैं कैमोमाइल वाली ज्यादा। तो ये देखिए आ गई है गाइस मेरी ग्रीन टी जो मेरी फेवरेट है, स्वीकार सर वाली बहुत ज्यादा। इस मम्मी आ गई है दूध लेके और मैं जा रही हूँ वॉक पे, आज मम्मी गई थी दूध लेने, तो मम्मी बोल रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी की थोड़ी सी ऐसे ही तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, शायद जुकाम वगैरह हो गया उनको, गले में दर्द हो रहा है, बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, तू देख ले तू भी रहने दे। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं जाऊँगी, चाहे थोड़ा सा घूम के आऊँ, घूम के जरूर आऊँगी, क्योंकि अब है ना ऐसी आदत लग चुकी है वॉक की, जब तक वॉक ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जा रही हूँ गाइस वॉक पे, अभी थोड़ा सा करके आऊँगी, 5:30 हो गए हैं वैसे तो, लेकिन जितना भी होगा तो मैं वॉक ज़रूर करूँगी, नहीं तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मुझे वॉक की आदत लग चुकी है, तो शुरू शुरू में जोर आता है गाइस, फिर तो ऐसी आदत बन जाती है कि आप अगर मना भी करो ना फिर भी नहीं रहा जाता वॉक के बिना। ओके तो चलो करते हैं वॉक। हो चुका है शाम का टाइम, रोटियों की हो गई है तैयारी, दूध वगैरह गर्म कर दिया है, इधर हो रही है सब्जी गर्म, आटा भी लगा लिया मम्मी ने, और मनु ने बनाए मंगवाए हैं आज गाइस बर्गर जो हम ये खाने वाले हैं, और कानू जी के लिए मंगवाया है केक, तो कानू जी को ये खिलाएंगे, और ये बर्गर एक मैं खाऊंगी एक मनु। तो आज बर्गर खाने की इच्छा है क्योंकि काफी ठंड हो रही है गाइस यहाँ पे, तो मन हुआ खाने का, तो बर्गर खाते हैं आज। तो गाइस खाते हैं बर्गर, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर उस पे नहीं हूँ कि बाहर का कुछ भी नहीं खा रही, और शुरू में जैसे मैंने बस 21 दिन के हार्ड चैलेंज में छोड़ा गाइस ये बाहर की चीजें, डेली नहीं खाना है आपको, कभी कभी खा सकते हो, और मैं अभी प्रॉपर पे नहीं हूँ तो इस वजह से खा रही हूँ। जब प्रॉपर बिल्कुल उस पे आ जाऊँगी ना कि मुझे और करना है वेट लॉस, तब नहीं खाऊंगी, अभी ऐसे ही हो रहा है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। और जो आप अपने यहाँ लगे हुए हो और काफ़ी वेट लॉस कर चुके हो वो कभी कभी खा सकता है 32 बार के साथ, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ 32 बार के साथ खा के बर्गर। कभी खाना गाइस ये मैं सोचना कि दीदी बोल रहे थे खा सकते हो, कभी कभी आप ले सकते हो जब आपकी इच्छा हो, मन नहीं मारना। अगर ये मेरे से पूरा नहीं खाएगा तो मैं आधा मनु को दे दूंगी। और आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीद के साथ, और अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय गाइस।